स्वराज एक्सप्रेस में स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। शुरुआत करते हैं एक शोक की खबर से, जहां सीएम भूपेश बघेल की मां का निधन हो गया है। वे कई दिनों से बीमार चल रही थी। उन्होंने रामकृष्ण अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 12 दिनों से रामकृष्ण केयर अस्पताल में भर्ती थी। उनका अंतिम संस्कार सीएम के गृह नगर पाटन में किया जाएगा। सीएम के मां के निधन की खबर मिलते ही बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने शोक जताया है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की माता बिंदेश्वरी बघेल की पार्थिव देह को रामकृष्ण अस्पताल से 3 भिलाई स्थित उनके निवास ले जाया जाएगा। शाम 7 बजे से भिलाई 3 स्थित निज निवास में पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। अंतिम यात्रा 8 अगस्त को सुबह 11 बजे निज निवास भिलाई 3 से भिलाई 3 मुक्तिधाम जाएगी। मौजूद थे, उनके प्रेजेंस में सब कुछ हुआ है। हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जी को डिक्लेयर किए। तो काफी दिनों से बीमार चलने के बाद भूपेश बघेल की माता जी का निधन हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वो पिछले 12 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रायपुर से संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ गए हैं। हेमंत, क्या कुछ माहौल है अभी वहां पर निधन के बाद से? हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मां बिंदेश्वरी बघेल के निधन के बाद यहां पर लगातार अलग अलग दल के लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके अलावा जो प्रशासनिक स्तर के अधिकारी हैं, चाहे वह डीजीपी की बात करें, चाहे मुख्य सचिव की बात करें, वो तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा अनेक दल से जो नेता हैं वो यहां पर पहुँच रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले जो पीसीसी अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम, वो भी अस्पताल पहुँचे। कार्डियक अटैक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मां को रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले 12 दिनों से उनका इलाज चल रहा था और पिछले 2 दिनों से अगर देखा जाए तो उनकी स्थिति है वो काफी गंभीर बनी हुई थी। लगातार डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। इसके अलावा जो दिल्ली से डॉक्टर हैं वो भी उनके इलाज के लिए आए थे, क्योंकि जिस समय उनको लाया गया था उस समय उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उनका जो इलाज है वो दिल्ली ले जाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन ऐसी जरूरत ना पड़ी और यहीं पर उनका इलाज चला। उनकी स्थिति बीच में ठीक भी हो गई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से, मैंने पहले ही बताया कि पिछले 2 दिनों से उनकी जो स्थिति है वो काफी गंभीर बनी हुई थी। अभी लगभग 4:30 बजे के आसपास उनका निधन हुआ है और जिस समय उनका निधन हुआ है उस समय अस्पताल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद थे। और जैसे ही निधन की सूचना लोगों को मिली, चाहे वो आम लोग हों, चाहे राजनेता हो, चाहे अधिकारी हो, वो सभी अस्पताल पहुंच रहे हैं। और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो मां का शरीर है, पार्थिव शरीर है, उसको भिलाई स्थित 3 निवास में ले जाया जाएगा। वहां पर शाम 7 बजे से अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद कल भिलाई 3 में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी हेमंत, 29 मई को जब माता जी एडमिट कराई गई थी हॉस्पिटल में, तो कहना था कि तब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक बताई गई थी, तो फिर अभी अचानक से उनकी तबीयत में क्या खराबी आई थी जिसके चलते ये हो गया? अब देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माता को अस्पताल में बहुत पहले यहाँ पर भर्ती कराया गया था, लेकिन ठीक होने के बाद वो घर चली गई थी। लेकिन उसके बाद अचानक उनको घर में ही कार्डियक अटैक आया। उसके बाद तुरंत आनंद फानंद में उन्हें रामकृष्ण अस्पताल लाया गया, क्योंकि इसी अस्पताल में पहले भी उनका इलाज चल रहा था। और जिस समय कार्डियक अटैक के समय उनको अस्पताल लाया गया था, उनकी स्थिति काफी गंभीर थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिन भर उस दिन मौजूद
मौजूद थे। इसके अलावा अलग अलग चाहे मंत्रियों की बात की जाए वो भी वहाँ पर मौजूद थे अस्पताल में। और पिछले 5 से 6 दिनों की बात की जाए तो सुधार एक तरह से हो रहा था, लगातार उनकी माँ का मेडिकल बुलेटिन भी यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो जारी कर रहे थे, लेकिन स्थिति काफी बिगड़ती गई और अब जाकर उनका आज निधन हुआ है। अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अस्पताल के अंदर ही मौजूद हैं और तमाम जो मंत्री हैं भूपेश सरकार के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो चाहने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और भूपेश बघेल की परिवार की बात की जाए तो वो अभी कुछ देर पहले यहाँ से भिलाई 3 स्थित घर के लिए रवाना हुए हैं और कुछ देर बाद यहाँ पर जो बिंदेश्वरी बघेल का पार्थिव शरीर है वो उसको भिलाई 3 स्थित निवास ले जाया जाएगा और वहाँ पर करीब 7-7 बजे ऐसे ही उम्मीद जताई जा रही है कि 7 बजे उनका जो पार्थिव शरीर है उनको अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। निमंत्रण, अंतिम संस्कार के दौरान किन किन लोगों को देखा जा सकता है? देखिए अभी मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो प्रशासनिक स्तर के जो सभी अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा उनके अंतिम दर्शन की तैयारी वहाँ पर भिलाई 3 जो निवास है वहाँ पर शुरू कर दी गई है। वहाँ पर भी भारी भीड़ लोगों की होने की बताई जा रही है, जो आम लोग हैं जो पाटन, क्योंकि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र पाटन है और पाटन के वो रहने वाले हैं तो वहाँ से भी लोग बड़ी संख्या में भिलाई 3 स्थित निवास पहुंच रहे हैं। और एक लगातार जो क्रम है अंतिम दर्शन का वो फिर चलेगा, बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए पहुंचेंगे और बस कुछ देर बाद यहां पर तैयारी चल रही है और कुछ देर के बाद भिलाई स्थित 3 निवास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माँ बिंदेश्वरी बघेल के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। शुक्रिया हेमंत तमाम जानकारी।